नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखो सुन लो सारे के सारे, ये जितने भी लोग इंडियन आर्मी की भर्ती देने जा रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्री के नंबर है, 40 नंबर। रनिंग करने में कितना जान लगता है? लगता है ना? लगता है। लेकिन ये जो 40 नंबर है, ये इतने फ्री के है जो कोई आपको बहुत कम टाइम में मेहनत करने में मिल जाएंगे। बीम 10 बीम लगाओगे तो 40 नंबर पूरे पूरे मिलने ही नहीं मिलने। रनिंग में तुम सुबह शाम इतना मेहनत करते हो, अगर आप एक टाइम भी बीम की मेहनत कर लोगे तो आपका 40 नंबर का जो बेनिफिट होने वाला है वो फिजिकल में आपको काफी सपोर्ट करेगा। अगर 100 नंबर का तुमने फिजिकल बना लिया तो चाहे रिटर्न थोड़ा सा कमजोर भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको भी यही करना है कि आपको अगर बिम में पूरे 40 में 40 नंबर मिल गए, ट्रेडमैन और जीडी के अंदर पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, आप सभी को पता ही है, पता है ना? ट्रेडमैन और जीडी के अंदर आपको पूरे नंबर मिलेंगे 40 में 40, अगर आपने 10 में 10 बिम लगाए। कैसे लगाने बिम? चलो कैच नीचे, हाथ रखो, एक डाउन, दो डाउन, तीन डाउन, चार डाउन, पांच डाउन, छह डाउन, सात डाउन, पहले नहीं उतरना, आठ डाउन, नौ डाउन, दस डाउन, उतर जा। देखो इन बंदों ने 10 में से 10 बीम लगा दिए। अब 10 में से 10 बीम लगाने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगा। 1-1.5 मिनट में तुम्हारे कितने नंबर पक गए? महत्वपूर्ण नंबर है या नहीं है? तो फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप रनिंग की मेहनत कर रहे करिए, उसके लिए तो उसके बिना आप बीम पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बीम को आपको बिना 10 लगाए 15 लगाए जाना नहीं है, वहां पर इतनी फास्ट आपको बीम नहीं लगवाए जाएंगे। आपको 3 सेकंड में एक बीम लगवाएंगे तो आपको कम से कम थोड़ी देर होल्ड भी रखना है। अब जिस बंदे से बीम नहीं लगते हैं, बहुत सारे बंदे हैं जिनसे बीम नहीं लगते हैं, 3 से 4 बीम लगते हैं, तो क्या कारण है बीम नहीं लगने का? मान लो आप बीम नहीं लगा पा रहे, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बीम लगा पा रहे, 6 बीम लगा पा रहे, ऐसा कोई बंदा? हाँ, इधर आ, इधर इधर सामने आ रहे हो। क्या नाम है तेरा? कुलदीप राजपूत। कुलदीप, रनिंग निकाल लेगा कुलदीप तू? यस सर। किस चीज में प्रॉब्लम है तेरे को? बिम में। लगा के बता। मैं देखो इस लड़के को वास्तविक में प्रॉब्लम है, ये जब आया था मुझसे एक ही बात बोली थी, सर बिम में प्रॉब्लम है। एक डाउन, सीधा कर हाथ को, दो डाउन, तीन डाउन, सीधा कर हाथ को, चार। ये प्रॉब्लम आ रही। क्या प्रॉब्लम है इसके मैं बता देता हूं। बॉडी को पूरा टाइट कर रहा है, इतना टाइट करने की क्या जरूरत है? बॉडी को फ्री रख, ये ब्रीथिंग को भी छोड़, अगर ऐसे करेगा तो नहीं हो पाएगा। ये बंदा है कुलदीप, मैं बोल रहा हूं कि आज इसने कितने बीम लगाए? 3। कितने बीम लगाए? अगला इसका बीम का वीडियो देखिएगा आप। आज कितनी तारीख है? 5। मैं 15 तारीख को इसी बंदे का बीम लगवा के बताऊंगा 8 से 10, ठीक है। क्या एक्सरसाइज करनी है? एक्सरसाइज का वीडियो मेरा अगले वीडियो में आ जाएगा कि आप बीम के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी करें। उस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप भी 8 से 10 दिन के अंदर डेफिनेटली बीम लगा पाएंगे। तो बीम लगाए बिना आपको इंडियन आर्मी में नहीं जाना है, क्योंकि बीम के अंदर फेल भी हो जाता है बंदा, ठीक है। जो बंदा 6 बीम से कम लगाएगा उसे फेल मान लिया जाएगा। कितना क्या माना जाएगा? अब ये बंदा इतनी अच्छी रनिंग करता है और 3 ही बीम लगाएगा तो फेल होगा या नहीं होगा? साल बर्बाद होगा या नहीं होगा? तो आपको साल बर्बाद करना है क्या? अग्निवीर बनना है नहीं बनना है? बोले भारत माता की, कमांडो बनो के। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो देखो बारिश में ग्राउंड चालू है या नहीं है? ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें बच्चा बारिश में ग्राउंड रनिंग नहीं कर रहा। इधर आ रहे, इधर आ, देखो अंदर, इधर आ रहे। दो लगा क्या? थोड़ा अंदर जा, क्या दो लगा क्या? बस आ जा, आ जा, आ जा। ग्राउंड बेकार करेगा क्या? मजे में चला जा। अरे तो देखो ऊपर पैर करके बता,
कितना कीचड़ लग रहा है पैर के अंदर, लेकिन रनिंग करी कि नहीं करी आज? यस सर। पूरा वर्कआउट किया? यस सर, पूरा किया। तो पैर में तो इतना कीचड़ लग रहा है, कहाँ से किया? सर वो ग्राउंड में अंदर। अरे ग्राउंड पे किया या अंदर किया? यहाँ ट्रैक पे किया। ट्रैक पे किया है तो हमारा ट्रैक ऐसा है कि बारिश कितनी भी हो, अभी भी बारिश हो रही नहीं हो रही? यस सर हो रही। बारिश हो रही है तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यहाँ का ग्राउंड जो है बारिश में चालू रहता है, बारिश में ग्राउंड बंद नहीं होता है। ये कुछ शायरी बोलना चाहता है लड़का, बहुत देर से देख रहा है, तालियां इसके लिए। थोड़ा और टाइम दे बापू, एक्सीलेंट तो मारना है। कि थोड़ा और टाइम दे बापू, एक्सीलेंट तो मारना है। जो हंस रहे ना तुम्हारे लाडले पे, उनसे भी सलाम एक दिन ठुकवाना है। जय हिंद जय भारत। बोले भारत माता की जय।